नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। आज से 50 साल पहले एक फिल्म आई थी, मेरा नाम जोकर, और उस फिल्म के लिए शैलेंद्र ने गाना लिखा था, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। लेकिन दोस्तों, आज 50 साल बाद हमारा देश एक दूसरा ही गाना गा रहा है, लड़ना यहां धरना यहां, सड़क से संसद तक। CAA पर तो लड़ाई चल ही रही थी, अब आरक्षण पर भी लड़ाई छिड़ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि प्रमोशन में आरक्षण अधिकार नहीं है। 7.5% जो अधिकार हैं, ये अधिकार को छीनने के लिए सरकार क्यों कोशिश कर रहे हैं? इस पर सरकार का लेना देना कुछ नहीं है। उत्तराखंड का चुनाव जो उन्होंने किया है, उत्तराखंड में 2012 में सरकार किसका था, उनको उत्तर वो देना पड़ेगा। सर, आरक्षण किसी को मिली हुई खैरात या दया नहीं है सर, ये एक संवैधानिक अधिकार है। 2012 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, उसने ये डिसीजन लिया और उसके साथ PIN आई। भारत सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। संसद भारी शोर में डूबी हुई थी। आत्मसम्मान और अस्तित्व के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमतों के लिए एक हुक्मनामा जारी किया था। तरक्की में दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को मानिए न मानिए, फैसला आपका है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस ताजा फैसले के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करती हूँ, अपनी असहमति दर्ज करती हूँ। ये सरकार जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आखिर में ये मौनवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद की बजाय ये मौनवाद की बात करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए इस दिशा निर्देश को खारिज कर दिए, उसके साथ हम लोग सहमत नहीं है। हुआ यूं कि शुक्रवार को उत्तराखंड की एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की वो टिप्पणी ये है कि सरकारी प्रमोशन में SC/ST आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरे, सरकार का कोई संवैधानिक कर्तव्य नहीं है कि वह इस तबके के लिए प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था करे। राज्य सरकारों को ऐसे प्रावधान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमोशन में आरक्षण देना है या नहीं। संसद का सत्र जारी था, हंगामा तय था। ऐसा हंगामा हुआ कि सत्ता और विपक्ष की दूरियां मिट गई। SC/ST OBC के संविधान प्रदत्त आरक्षण के खिलाफ दिया गया ये कोर्ट का आज तक का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और वंचित वर्गों के अधिकारों पर इससे भयानक कुठाराघात और कोई भी नहीं हो सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबा साहब और बापू के बीच हुए पूना पैक्ट के आलोक में मिली संवैधानिक गारंटी की अवहेलना है और केंद्र सरकार इस खिलवाड़ को रोके। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट का ही परिणाम है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों के लिए आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। सर, आरक्षण किसी को मिली हुई खैरात या दया नहीं है सर, ये एक संवैधानिक अधिकार है। 2012 में BJP की समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बचाव करना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के हमले से वो तिलमिला उठी। RSS और BJP की आइडियोलॉजी है, वो रिजर्वेशन के खिलाफ है और वो किसी ना किसी तरह रिजर्वेशन को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से निकालना चाहते हैं। ये RSS वाले BJP वाले जितना भी सपना देख लें, रिजर्वेशन को हम कभी नहीं मिटने देंगे, क्योंकि रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत डायरेक्ट भाग है। BJP NDA में ही अलग थलग पड़ चुकी थी। उसे मालूम हो गया था कि सफाई दिए बगैर वो कतरा कर नहीं निकल सकती। उसने इसके लिए 3 मंत्रियों को आगे किया। मंत्री नंबर 1, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये बहुत ही गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय, और सभी को प्रतीक्षा करनी चाहिए। सामाजिक न्याय मंत्री स्टेटमेंट देने वाले हैं। मंत्री नंबर 2, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, और मंत्री नंबर 3, सरकार का नाम लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, और मंत्री नंबर 3, सामाजिक अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत। यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है,
इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर उच्च स्तरीय विचार कर रही है। यहाँ यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस मामले में न तो भारत सरकार को कभी पक्षकार बनाया गया और न ही भारत सरकार से शपथ पत्र मांगा गया। तीनों मंत्री बीजेपी के और सरकार का मतलब बीजेपी, क्योंकि अपना दल और एलजेपी तो साफ साफ फैसला पलटने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कोई भरोसा अभी तक नहीं दिया है। मंत्री कह तो रहे हैं कि सरकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीजेपी फंसी हुई। देखिए कैसे, 2012 में उत्तराखंड सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का आदेश दिया था। उस समय उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी जब उसने ये आदेश जारी किया था, लेकिन 2019 में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया और आरक्षण को बहाल कर दिया। लेकिन बीजेपी की सरकार फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब सरकार की अपील पर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण गारंटी नहीं है। ये सरासर गलत है कि ये जजमेंट ही रॉन्ग है, और उनका कंसेप्ट ये है कि इस जिस मकसद से वो आर्टिकल 16 लाया गया है उसको अगर आप नहीं समझ सकते तो मुझे ये दुर्दैव की बात है। अब सरकार भारी दबाव में आ गई है और विरोधियों से ज्यादा अपनों के दबाव में। रामविलास पासवान ने दलों को छोड़ा किनारे और दोनों सदनों के सभी दलित आदिवासी सांसदों को भोजन पर बुला लिया कि बताइए आगे क्या करना है। आज तक आरक्षण पर तो लड़ाई अब शुरू हुई है, लड़ना यहां धरना यहां का सबसे जबरदस्त उदाहरण है दिल्ली का शाहीन बाग का आंदोलन। नागरिकता कानून के खिलाफ 58 दिन से महिलाएं यहां पर धरने पर बैठी हुई हैं, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ऐसे अनिश्चित काल तक सड़क पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। एक बच्ची की मौत का मामला भी उठा, लेकिन प्रदर्शनकारी अडिग हैं। कितनी दिक्कत हो रही है दिल्ली से नोएडा आने जाने वाले लोगों को। बटन यहाँ बाबतपुर में दबे करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। तो शाहीन बाग अब दिल्ली का एक मोहल्ला नहीं है, शाहीन बाग एक विचार है। बड़े बड़े लोग लाखों लोगों के एक मोहल्ले को उग्रवादी बता रहे थे, देशद्रोही बता रहे थे, अराजक और आतंकवादी बता रहे थे, बिना किसी सबूत, बिना किसी गवाह, बिना किसी आधार। कमल का बटन दबेगा ये अपने आप उठ जाएंगे, और केजरीवाल साहब सत्ता से बाहर होगा तो शासन प्रशासन अपना काम करते हुए अगर प्यार से नहीं मानेंगे तो जूत मार कर इनको यहां से उठाया जाएगा। इन चुनावी आवाजों के समानांतर कुछ लोग देश की सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि हुजूर रास्ता खुलवा दीजिए, आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले दिल्ली और केंद्र की सरकार का जवाब आने दीजिए, जैसे 58 दिन वैसे एक हफ्ते और। अब मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने अभी मना नहीं किया है कोर्ट में कि यहाँ से पद हटाया जाए, उन्हें नोटिस किया है, और दूसरे पक्ष को हम लोगों की भी सुनवाई होगी, हम लोगों को सुनेंगे, उसके बाद फैसला होगा। आज कोर्ट ने नोटिस किया है, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि पोर्टेस हटाया जा रहा है और जज साहब ने कह दिया, कोर्ट ने कह दिया पोर्टेस हटाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। रास्ता खुलवाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणियां भी की है, और वो टिप्पणियां शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ है। मसलन, एक, नागरिकता कानून का विरोध करने वालों को दूसरों के लिए मुश्किल खड़ी करने का हक नहीं है। दो, सड़कों पर अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। तीन, विरोध प्रदर्शन करना लोगों का हक है लेकिन सिर्फ तय जगहों पर। चार, शाहीन बाग के धरने पर 17 फरवरी तक दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस जवाब दाखिल करें। और पांच, किसी भी राहत के लिए याचिकाकर्ताओं को कम से कम एक हफ्ते और रुकना होगा। कोर्ट ने इसमें कहा है कि क्या ऐसी रोड को पब्लिक ब्लॉक कर सकती है जो सार्वजनिक जगह है, और प्रोटेस्ट जो भी होते हैं, प्रोटेस्ट तो बिना परमिशन के पार्क में भी नहीं हो सकते, ये तो रास्ता सिर्फ ब्लॉकेज करने का मामला है, तो इसको काफी गंभीरता से लेते हुए 17 तारीख को कोर्ट ने निर्धारित की है। चीफ जस्टिस बोबड़े शाहीन बाग के एक दूसरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, वो मामला है धरने के दौरान 4 महीने की एक मासूम की मौत का।
केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि मासूम बच्चों को प्रदर्शन में शामिल करना दुर्भाग्यपूर्ण है, तो शाहीन बाग की महिलाओं ने कहा कि स्कूल में हमारे बच्चों को आतंकवादी कहा जाता है। इस पर जस्टिस बोबड़े ने कहा कि हम इस समय सिर्फ बच्चे की मौत पर सुनवाई कर रहे हैं। जस्टिस बोबड़े ने यह भी पूछा कि क्या 4 महीने का बच्चा खुद प्रदर्शन में गया था। दोनों ही खबरें शाहीन बाग तक भी पहुंची, लेकिन औरतें कहती हैं कि वो तो तैयार हैं शाहीन बाग को खाली करने के लिए। मोदी जी सीए वापस ले लें और हमें घर भेज दें, लेकिन इसके बिना तो 1 इंच नहीं हिलेंगे। सीए या एनआरसी वापस नहीं ले सकता और हमें कोर्ट से नहीं लिखवा के दे देता इतने मोटने के लिए। हमें कोई शौक नहीं है रोड पे बैठने का, हमें कोई शौक नहीं है रोड पे का। सरकार जल्दी खत्म करे ना, सड़क जाम होने से उसे दिक्कत हो रही, हमें भी तो दिक्कत हो रही है एनआरसी के सीए की। 2 महीने हो गए रहते रहते अब नहीं उठेंगे हम, जब हमारा लिख के दे दो हमें उठ जाएंगे हम, काला कानून वापस ले ले वो। 17 फरवरी को अगली सुनवाई है, लेकिन 11 फरवरी को दिल्ली चुनाव का फैसला है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल को, केंद्र की सरकार को, दिल्ली की जनता को और खुद दिल्ली पुलिस को 17 तारीख से ज्यादा 11 तारीख का इंतजार है। आज तक ब्यूरो। एक लड़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज की लड़कियां भी लड़ रही हैं। नतीजा ये हुआ कि 6 फरवरी को ही छेड़खानी पर कॉलेज की प्रिंसिपल भी जागी और पुलिस भी। मामला संसद में भी गूंजा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान भी लिया और दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल कॉलेज भी पहुंच गई। देश की राजधानी दिल्ली के एक कॉलेज की छात्राएं चीख रही थी कि हमारे कॉलेज में गुंडे घुस आए थे, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वो हमारे दुपट्टे खींच रहे थे, छू रहे थे, पकड़ रहे थे, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल 4 दिन तक उनकी चीखों पर चादर तानकर सोती रही। चादर तानकर सोती रही दिल्ली पुलिस और चादर तानकर सोती रही सरकार। 6 फरवरी को कॉन्सर्ट था हमारे कॉलेज में और हर साल की तरह इस साल भी था, पर लड़कों ने बहुत ज़्यादा आबादी में आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा मिसहैंडलिंग हुई है, हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हुआ है कॉलेज में और उनके आईडी कार्ड बिल्कुल चेक नहीं किए गए थे। पहले सुनिए हुआ क्या था। गार्गी कॉलेज में लड़कियों ने सालाना उत्सव का आयोजन किया था, दूसरे कॉलेजों के छात्र छात्राएं भी आमंत्रित थे। अब आरोप है कि फेस्ट के दौरान पास की सड़क से सीएए के समर्थन में एक रैली गुजर रही थी। रैली में शामिल होने आए लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और लड़कियों के कॉलेज में जगमग देखा तो सभ्यता, संस्कृति, शुचिता और स्त्री सम्मान जैसे मुलम्मे को ठोका जूते के तल्ले में और दीवार फाड़ कर अंदर। देखिए अभी तो ये है कि सिक्योरिटी नहीं थी, कहाँ से आए हैं ये तो हमें सिक्योरिटी और प्रिंसिपल ही बता सकते हैं, हम नहीं लोग ये यहाँ पर पूरी की भीड़ थी यहाँ पे। और हाँ, इस तरीके का जो सुनने में आया है कि यहाँ पर बहुत ही इनसिक्योरिटी थी, गेट तोड़ के चले गए हैं, तो अपने आप में ये गंभीर मामला है। गार्गी कॉलेज की छात्राओं ने 6 फरवरी को ही प्रशासन को घटना के बारे में बता दिया था। 6 फरवरी से 10 फरवरी तक कॉलेज के प्रिंसिपल घटना को दबाने में जुटी रही। दिल्ली पुलिस 5 दिन शिकायत के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और लड़कियों ने जब सोशल मीडिया में बात उठाई तो प्रिंसिपल और पुलिस की नींद खुली। जब समूची दुनिया में दिल्ली के कॉलेज में घुसकर लड़कियों से छेड़खानी पर फजीहत होने लगी, जब राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान ले लिया, तब जाकर गार्गी कॉलेज के प्रिंसिपल ने शिकायत दर्ज कराई और इसके बाद दिल्ली पुलिस की नींद। We'll set up a security protocol to ensure such incidents never take place again. The institution unequivocally stands with our students whose safety and security is our first priority. College authorities के द्वारा दी गई complaint के basis पे हमने 354, 509, 452 और 34 IPC का एक केस दर्ज किया है PS Hoskhas में। इसमें इंस्पेक्टर CAW सेल, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डेजिग्नेट किया गया है। दिल्ली महिला आयोग अलग सक्रिय हुआ। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल खुद गार्गी कॉलेज पहुंची और छात्राओं से मिली।
कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हमें नहीं पता, हमें तो अभी कंप्लेंट मिली है, जो कि बिल्कुल मेरे हिसाब से झूठ है, क्योंकि मैं वहां पे अंदर कई 100 लड़कियों से मिलकर आ रही हूं जो एक ही सुर में ये बात कह रही हैं कि ये जितना भी जो घटनाक्रम है सब कॉलेज के सामने हुआ है, सब दिल्ली पुलिस के जवानों के सामने हुआ। अब पुलिस सांप के बिल में घुस जाने के बाद लकीर पीट रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है कि जय श्री राम बोलकर लड़कियों के कॉलेज की दीवार कूदकर छेड़खानी करने वाले भक्त शिरोमणि गए कहां। आज तक ब्यूरो। सदियों के झगड़े के बाद बाबरी मस्जिद का विवाद सुलझा था, जमीन राम मंदिर के लिए दे दी गई थी, तय हुआ था कि 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए अलग से दी जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो जमीन तय की है उसका झगड़ा भी 40 साल से चल रहा है और मंदिर के जमीन के तो 3 पक्षकार थे, मस्जिद की जमीन के अब 5 पक्षकार हैं। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर फैसला सुनाया था तो लग रहा था अब कोई मसला ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो मसला ही मसला है। मंदिर वालों का मसला है कि ट्रस्ट में पिछड़े कहाँ हैं, संत लड़ रहे हैं कि अध्यक्ष गृहस्थ कैसे होगा, और मस्जिद वाले रो रहे हैं कि छाती पर पत्थर रखकर 5 एकड़ जमीन पर संतोष किया था वो अपने आप में मसला हो गया है। कहा जा रहा है कि रौनाही के धन्नीपुर की जो जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को सरकार ने दी है वो लफड़े वाली है। हम चाहते हैं अगर मेरी जमीन दी जाए तो जमीन और पेड़ का मुआवजा हमको दे दिया जाए, हम अपना केस वापस ले लेंगे, क्योंकि मेरे पेड़ लगाए हुए हैं, मेरे पिताजी के पेड़ लगाए हुए हैं दशहरी पेड़, और पेड़ को अगर वो कटवाना चाहते हैं तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन हमको उसका मुआवजा दिया जाए। जरा सुनिए मस्जिद के लिए दी जाने वाली जमीन की कहानी। आजादी से पहले इस जमीन पर अंग्रेजों का सैनिक पड़ाव हुआ करता था। 1947 में पाकिस्तानी शरणार्थी ज्ञानचंद पंजाबी को केंद्र सरकार ने यह जमीन पट्टे पर दे दी। ज्ञानचंद पंजाबी राम मंदिर का ताला बंद करने में भी सक्रिय थे। ज्ञानचंद की मौत के बाद उनकी पत्नी कृष्णा देवी के नाम ये जमीन हो गई। कृष्णा देवी दिल्ली में बस गई और उदय सिंह जमीन की देखभाल करते रहे। बाद में उदय सिंह ने कब्जेदार की हैसियत से जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन कृषि विभाग को दे दी। कृष्णा देवी ने मुकदमा कर दिया, लेकिन 3 साल पहले उनकी मौत हो गई। अब कृष्णा देवी की बेटी रानी कपूर जमीन का मुकदमा लड़ रही हैं। उदित सिंह की भी मौत हो गई और उनके बेटे हरिनाथ सिंह मुकदमा लड़ने लगे। हरिनाथ सिंह की भी मौत हो गई और उनके बेटे मदन सिंह ने दावा कर लिया। रौनाही थाने और नलकूप विभाग के दावे अलग हैं कि जमीन हमारी है। उसमें हरिनाथ जो थे वो ठाकुर थे उस समय, वो उस समय हमारे पिताजी के टाइम हमारी खेती में खेतीदारी करते थे, हम लोगों की वो खेतीदारी करते थे। हमारे आने के बाद पिताजी बीमार हो गए थे, हम दिल्ली ले आए थे। पीछे से उन्होंने दावा कर दिया कि ये भूमि जो है हमारी है, जबकि ये भूमि उनकी नहीं है, वो हमारे खेतीदार थे। सारी दावेदारियों की फाइल अयोध्या के चकबंदी अधिकारी के पास पड़ी हुई है। मामला इतना पेचीदा है कि तत्कालीन एसडीएम टीआर जोसेफ ने भी स्टे ऑर्डर दे रखा है, और अगर एक भी पक्ष हाई कोर्ट चला गया तो मस्जिद की जमीन का मुकदमा बाबरी मस्जिद टाइप हो जाएगा। हाई कोर्ट का जो जजमेंट मेरे पास आया था, उन्होंने दिया था हमारे क्लाइंट ने, उसमें ही लिखा था कि जब तक इनका इजेक्टमेंट न हो जाए किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऑर्डर से, तब तक इनको डिस्टर्ब न किया। मतलब बड़ा साफ है, पहले मंदिर की जमीन पर झगड़ा था, अब मस्जिद की जमीन पर झगड़ा है। अगर सरकार अड़ गई कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को यही जमीन लेनी होगी तो उसे इस जमीन का 6ठा पक्षकार बनना पड़ेगा। मतलब बाबरी मस्जिद के मुकदमे में तो 3 ही पक्षकार थे, नई वाली बनने से पहले ही 6 हो चुके हैं। और अगर कहीं 400 साल बाद किसी ने मुकदमा कर दिया कि जमीन तो हिंदू की थी, तो समझ जाइए क्या होगा। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।